कल जो कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि कंसीडर द लीनियर एरे, कंसीडर द लीनियर एरे, तीन लीनियर एरे दिए गए हैं, ये तीन लीनियर एरे दिए गए हैं और पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच एरे। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सपोज बेस मतलब यहां पे बेस एड्रेस है, बेस ऑफ ट्रिपल ए इज 300 एंड डब्ल्यू जो कि विच होती है, कल हम लोगों ने देखा था, फोर वर्ड्स पर मेमोरी सेल, पर मेमोरी सेल फॉर पर मेमोरी सेल फॉर द एरे ट्रिपल ए। आगे पूछ रहा है, फाइंड द एड्रेस ऑफ, अब यहां नोटेशन इसने चेंज कर दिया, अभी तक ऐसे था, अभी इसने नोटेशन क्या चेंज किया, अब ये स्मॉल ब्रैकेट की जगह ये स्क्वायर ब्रैकेट लेके आ गए हैं। तो कल इसके ऊपर चर्चा हो गई थी कि अगर कुछ ऐसा है तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और एंड ट्रिपल ए ऑफ 35, ठीक है। तो क्वेश्चन में तीन एरे दिए गए हैं, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ट्रिपल ए जो है उसके लिए एल बी है 15, यू बी है 50, एल बी माइनस 5, यू बी क्या है 10, एंड दिस इज सीजे कहिए यू बी या फिर कहिए इसको साइज, इसके बारे में भी कल चर्चा हुई थी। पहले पार्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलने का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ एरे। तो लेंथ ऑफ एरे हम लोग कल कैसे निकाले थे, यू बी माइनस एल बी प्लस 1। अब ध्यान का देना कि ये जो ट्रिपल सी है यहां पे एल बी का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो हमने क्या बोला था कि जब एल बी नहीं दिया गया होगा तो बाय डिफॉल्ट हम लोग एल बी हमेशा क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। चलिए तो लेंथ ऑफ ट्रिपल ए क्या हो जाएगा, तो 50 माइनस 5 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, इट इज 46। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 46। आगे चलिए, लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ ट्रिपल बी क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यू बी माइनस एल बी प्लस वन। यहां लोअर बाउंड का इंडेक्स क्या है, माइनस फाइव, तो क्या हो जाएगा, टेन माइनस माइनस फाइव प्लस वन। अब ये माइनस फाइव देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, प्लस वन एंड इट इज सिक्सटीन। इसका आंसर कितना आ गया, सिक्सटीन। कल हम लोग इस बात को देख चुके थे कि इंडेक्स के लिए चॉइसेस हैं। आगे चलते हैं, लेंथ ऑफ ट्रिपल सी कितना हो जाएगा, तो यू बी है 18 माइनस, हमने कल बोला था जब एल बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो एल बी विल बी ऑलवेज कंसिडर्ड एज 1, तो ये क्या हो जाएगा 18। तो इसका साइज क्या हो गया 18, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने प्रॉब्लम का पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट जो है उसमें हमको बोला जा रहा है कि एड्रेस कंप्यूट कराना है। तो हम लोग को पता है एड्रेस ऑफ आईएथ इंडेक्स क्या होता है ना, आईएथ इंडेक्स का एड्रेस क्या होता है, हम लोग को पता है, क्या पता है, तो बेस एड्रेस प्लस डब्ल्यू इंटू आई माइनस एल बी, ये हम लोग कल पढ़े थे, इसी का एप्लीकेशन है। चलिए तो यहां पे केवल ट्रिपल ए के बारे में बात हो। चलिए तो एड्रेस ऑफ ट्रिपल ए ऑफ 15 क्या होगा, इसकी बात करें तो हमको चाहिए बेस एड्रेस किसका, ट्रिपल ए का। तो ट्रिपल ए का बेस एड्रेस कितना दिया गया है, 300 प्लस W की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू आई कितना है, 15, तो यहां पर हम लोग ले लेंगे 15 माइनस एल बी कितना है, 5, दिस इज 5। अब ये क्या हो गया, 300 प्लस 4 इंटू 10 मतलब 340, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या निकल के आया, 340। आगे चलते हैं, अब हमको एड्रेस कंप्यूट करना है 35 का, ठीक है। अच्छा ये तो दोनों डेटा सेम हो गया ना, देखते हैं क्वेश्चन में क्या था, 35 था या नहीं, ये 55, ये दोनों जगह पे डेटा सेम है बट हमने यहाँ पे सेम लिख दिया था, बट ओरिजिनली इट इज 55। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसके लिए, एड्रेस ऑफ ट्रिपल ए ऑफ 35 कैसे निकलेगा, बेस एड्रेस 300 प्लस 4 इंटू इंडेक्स क्या है 35 माइनस एल बी कितना है 5, देखिए 300 प्लस 4 इंटू 30 और ये कितना हो जाएगा 420, दिस इज द सॉल्यूशन। अब हमसे कहा जा रहा है कि ट्रिपल ए ऑफ 55 का एड्रेस कंप्यूट करिए, ठीक है। तो अब जरा देखिए, तो यहां पे इंडेक्स की वैल्यू क्या है 55 और यहां पे अपर इंडेक्स की वैल्यू क्या है 50, यानी हमसे कहा जा रहा है कि 55th इंडेक्स का एड्रेस बताइए। और मजे की बात क्या है कि अपने पास जो ये एड्रेस है इस एड्रेस में 55 जैसा कोई इंडेक्स नहीं है। तो भाई साहब जब इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम एड्रेस कैसे कंप्यूट करेंगे, ठीक है। बात को आप लोग समझिए, बात यह है कि ये जो एरे है जहां पे मैक्सिमम
इंडेक्स की वैल्यू है 50 और हमसे कहा जा रहा है कि ट्रिपल ए या 55 का एड्रेस बताइए, तो कैसे बताएंगे भाई? एरे का आखिरी इंडेक्स 50 है और हमसे पूछा जा रहा है कि 55वें इंडेक्स का एड्रेस बताइए, तो ऐसा कंप्यूट हो सकता है क्या? तो बट ऑब्वियस है कि ऐसा कंप्यूट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे, इनवैलिड क्या इंडेक्स, इनवैलिड इंडेक्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने पहला प्रॉब्लम जो है वो देख लिया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और अब हम लोग दूसरे प्रॉब्लम को देखेंगे। देखिए दूसरा प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, चलिए कह रहा है कि कंसीडर द एरे ऑटो, ऑटो ऑटो नाम का एक एरे दिया गया है विच रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स सोल्ड ईच अदर फ्रॉम 1932 टू 1984। ध्यान दीजिए और इतने इंफॉर्मेशन से हमको क्या पता चल रहा है कि अपने पास एक एरे है जिसका नाम है ऑटो और इस ऑटो में हम लोग ईयर वाइज कितने ऑटोमोबाइल्स बेचे गए हैं इसका रिकॉर्ड हम लोग स्टोर करके रख रहे हैं। तो कब से कब तक का रिकॉर्ड है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1932 टू 1984, ठीक है। आगे सपोज सपोज फॉर एवरी For every year, a memory of four words is kept as reserved, is kept as reserved, ठीक है। और एक बात और दिया हुआ है कि जो बेस एड्रेस है किसका, ऑटो का, वो है 200 और हमसे पूछा जा रहा है कि आप एड्रेस बताइए, किसका एड्रेस बताइए, तो ऑटो ऑफ 1965 इस इंडेक्स का एड्रेस हमको बता। चलिए हम लोग पहले ये देखें कि हमारा ये जो एरे है जिसका नाम ऑटो है वो कैसे दिखेगा। तो देखिए ये चार वर्ड, हम ये मान के चल रहे हैं कि हर एक सेल एक वर्ड के बराबर है, तो ये चार वर्ड किसके लिए रिजर्व हो गए, 1932 के, ठीक है। इसी तरीके से चार वर्ड रिजर्व होंगे, एक दो तीन चार, ये रिजर्व हो जाएंगे किसके लिए, तो ये रिजर्व हो जाएंगे 1933,
एंड सो ऑन, और लास्ट में हमारा क्या आएगा 1984, तो 1, 2, 3 और ये 4, ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा 1984। अब कहा ये जा रहा है कि ये जो एरे है ऑटो, इसका बेस एड्रेस कितना है, तो 200 है, तो 200 इसका होगा, तो इसका क्या होगा 201, इसका क्या होगा 202 और इसका क्या होगा 203, यानी 200 से लेके 203 तक मेमोरी लोकेशन किसके लिए रिजर्व हो गए, तो इट इज रिजर्व्ड फॉर 1932। आगे आइए, अब इसके लिए क्या हो जाएगा एड्रेस 204, 205, 206, 207, यानी 1933 के लिए जो चार मेमोरी हमने रिजर्व किया है वो क्या है, 204, 205, 206 एंड 207। और इस तरीके से ये एरे आगे दिखेगा। चलिए, अब पूछा क्या जा रहा है कि एड्रेस बताइए, किसका एड्रेस बताइए, तो एड्रेस ऑफ ऑटो ऑफ 1965। चलिए, अब हम ये कहें कि भाई साहब ये जो ऑटो है, ये ऑटो तो कुछ ऐसा हो गया 1932:1984, ऐसा हो गया, और जैसे हमने ये इंटरप्रेट किया तो हमने कहा भाई साहब ये तो हो गया LB और ये हो गया UB। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हमारा जो ऑटो है अब वो कैसे दिखेगा, तो ऑटो कुछ ऐसे दिखेगा 1932 से लेकर 1984। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा LB और ये हो जाएगा UV। क्लियर है? और दिस इज द इंडेक्स, दिस इज द इंडेक्स, इसकी जो मेमोरी लोकेशन हो है वो हमको कंप्यूट करना है, बाकी सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने दिया गया है। तो अब अपने पास कुछ ज्यादा बचा नहीं, सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलिए फार्मूला तो हम लोगों को पता ही है, और फार्मूला अगर पता है तो फिर दिक्कत क्या है, तो हम लोग लिखेंगे एड्रेस, किसका एड्रेस, तो ऑटो के 1965 इस इंडेक्स का एड्रेस चाहिए, तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे बेस एड्रेस, किसका बेस एड्रेस, तो ऑटो का बेस एड्रेस प्लस W into I minus LB। चलिए, तो ऑटो का बेस एड्रेस कितना है 200 प्लस 4, देखिए 4 दिया गया था और 4 को मैंने समझाया भी है, 4 into, अच्छा आई की वैल्यू क्या है 1965, और क्या घटाना है, तो LB घटाना है, दैट इज 1930। चलिए, ये क्या हो जाएगा 200 प्लस 4 into, ये क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन करिए तो 1965, तो ये क्या हो जाएगा 3 और 3, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 और 13, और ये क्या हो जाएगा 332, ये हो गया आंसर। मल्टीप्लाइड बाय 4 तो वैल्यू कितनी आएगी 132, और फिर इसमें इसको जोड़ देंगे, यानी जो इंडेक्स है 1965 उसका एड्रेस क्या होगा, कहां से स्टार्ट होगा, तो 332 से स्टार्ट होगा। चलिए, अब जरा 1965 का जो भी पिक्चराइजेशन है उसको हम लोग एज्यूम करें, ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, देखिए ये किसके लिए हो गया,
1965, और 1965 कहां से स्टार्ट होगा? 332 से, तो इसका क्या हो जाएगा 333, इसका क्या हो जाएगा 334, और इसका क्या हो जाएगा 335। यानी ये जो चार एड्रेसेस आपको दिख रहे हैं, ये चारों के चारों एड्रेस किस इंडेक्स के लिए हो गए? तो 1965, ये जो इंडेक्स वैल्यू है इसके पास चार एड्रेसेस हैं, यानी चार सेल जो है वो हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखिए। चलिए अब जो है हम लोग थोड़ा आगे और आते हैं, और एक प्रॉब्लम जो है हम लोग और देखते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये वायर कहीं फंस रहा है। चलिए अब हम लोग अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगला प्रॉब्लम देखा जाए, चलिए अगला प्रॉब्लम क्या है लिखते हैं हम। सपोज ए कंपनी कीप्स ए लीनियर एरे, सपोज ए कंपनी कीप्स ए लीनियर एरे, लीनियर एरे उसका नाम क्या है? ईयर। और ईयर कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो ईयर स्टार्ट हो रहा है 1920 से लेके और 1970 तक। सच डैट ईयर के कंटेंस द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, द नंबर ऑफ क्या एम्प्लॉइज बॉर्न इन द ईयर के, बॉर्न इन द ईयर के। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आपको कुछ काम करने हैं। राइट ए मॉड्यूल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टास्क। पहला, टू प्रिंट ईच ऑफ द ईयर, टू प्रिंट ईच ऑफ द ईयर, प्रिंट ईच ऑफ द ईयर इन विच नो एम्प्लॉय वॉज बॉर्न। ठीक है, चलिए अभी इसमें और भी पार्ट है, फिलहाल केवल इतने को पहले पढ़ते हैं और पढ़ के जवाब देने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, कंपनी जो है उसने एक एरे बनाकर रखा, और इस एरे का नाम क्या रखा है? उसने ईयर। और ये ईयर कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो ईयर स्टार्ट हो रहा है 1920 से लेके कहां तक? तो 1970 तक। ठीक है, और इस एरे में क्या रखा जा रहा है? कहा जा रहा है
कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसा इम्प्लाई है जो 1920 में पैदा हुआ, तो हमारी कंपनी में काम करने वाले ऐसे कितने इम्प्लाई हैं जो 1920 में पैदा हुए, उनकी संख्या हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 25, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी कंपनी में काम करने वाले ऐसे लोगों की संख्या 25 है जो 1920 में पैदा हुए। हमने कहा जीरो, 1921 में मैंने एंट्री की है किसकी, जीरो। तो मैंने कहा 1921 ऐसा साल है जिस साल में जो भी पैदा हुआ है वो हमारी कंपनी का इंप्लाई नहीं है। यानी दूसरे शब्दों में कि हमारी कंपनी में ऐसा कोई भी इंप्लाई काम नहीं कर रहा है जो 1921 में पैदा हुआ था, इसीलिए यहां पे एंट्री किसकी है, जीरो की। ठीक है, अब आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई। तो हमसे क्या कहा जा रहा है कि ऐसे प्रिंट ईच ऑफ द ईयर इन विच नो इंप्लाई वाज बार। क्या करना है, कुछ ज्यादा थोड़े करना है, एक लूप चलाना है, लूप चलाइए। चलिए लूप चलाते हैं। लूप कहां से चलेगा, तो लूप चलेगा 1920 से। चलिए सॉल्यूशन, फॉर आई इक्वल्स टू 1920 1970। ठीक है, और एक काम करते हैं, एक है ना, और हम क्या लिखेंगे, इफ ईयर ऑफ आई इक्वल्स टू जीरो, प्रिंट आई एग्जिट, वो ईयर जिसमें कोई पैदा नहीं हुआ होगा वहां पे कौन सी वैल्यू होगी, जीरो होगी। तो इफ कंडीशन में लिख दिया, कहानी खत्म। ठीक है, नीचे में भी कि आप लोगों को विजिबल ना हो कैमरे के फोकस की वजह से, इस वजह से यही सोल्यूशन जो है मैं यहां पर ऊपर लिख दे रहा हूं। तो मैंने यहां पर लिख दिया सोल्यूशन, लूप चलाना, फॉर आई इक्वल्स टू 1920 to 1970। ठीक है, और क्या करना है, इफ ईयर ऑफ आई इक्वल्स टू जीरो, कोई इंप्लाई पैदा नहीं हुआ, जैसे 1921 में कोई पैदा नहीं हुआ था तो जीरो था। तो क्या करना है, तो इसी में, इसी लूप के अंदर कर दीजिए, प्रिंट करा दीजिए। इफ कंडीशन ट्रू होगी तो इसी, जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोग क्या प्रिंट करा दे, प्रिंट आई और एग्जिट, और क्या एग्जिट। देखिए ये हो गया हमारा सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन को एक बार देखिए, इस सोल्यूशन को देखिए आप लोग। प्रॉब्लम देखने में लंबा था और गुमराह करने के लिए बहुत बड़ी कहानी जो है वो सुना दी गई थी। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन को आप लोग ढंग से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या किया था, प्रॉब्लम को लिखा, समझा, फिर डेटा रखा। डेटा रखने के बाद से हमको सीधे पता चल गया कि यार इतनी बड़ी बात बोली जा रही है और इसमें जो है काम लायक तो बात जो है वो बड़ी छोटी सी है। और एक बार वो समझ में अगर आ गया तो फिर कहीं कोई दिक्कत जो है नहीं हो। न्यूमेरिकल आप लोग, आप सामने हमने लिखा था उसका ये सोल्यूशन है, बाकी पार्ट्स जो है इसके, इसको हम लोग कल जो है सॉल्व करेंगे। तो
आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।